नमस्कार दोस्तों, 1 जुलाई से राजस्थान में 10 बदलाव लागू होने जा रहे हैं। साथ ही जुलाई महीने में कई नए नियम भी राजस्थान में लागू होने वाले हैं। जुलाई महीने में सरकार भी कुछ घोषणा लागू करेगी। आप भी राजस्थान के निवासी हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि राजस्थान में जुलाई महीने में कुल 10 जरूरी बदलाव लागू हो जाएंगे, जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। दोस्तों, आप राजस्थान के कौन से जिले के निवासी हैं और इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर इस वीडियो के कमेंट में लिखें। 1 जुलाई से राजस्थान में क्या क्या बदलाव होंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले है कि 1 जुलाई में LPG सिलेंडर की कीमत में होगा बदलाव। हर महीने की पहली तारीख को LPG गैस सिलेंडर की कीमतें तय होती हैं। 1 जुलाई को ओनल मार्केटिंग कंपनियां गैस सिलेंडर की कीमतें तय करेंगी। पिछले कई महीनों में कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर के दाम कम किए थे। अब ऐसी उम्मीद है कि कंपनियां एक बार फिर जुलाई में सिलेंडर के दाम घटा सकती है। फिलहाल कीमतें घटेगी या बढ़ेगी, इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, सिम कार्ड के नए नियम जारी। 1 जुलाई से देश भर लागू हो रहे नए नियम, मोबाइल सिम कार्ड के नए नियम जारी कर दिए गए हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से बीते 15 मार्च 2024 को नए नियम को जारी कर दिया गया है, जो 1 जुलाई 2024 से देश भर में लागू हो जाएंगे। ट्राई का कहना है कि नियमों में बदलाव करने से फ्रॉड की घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती है। हालांकि इससे आम यूजर्स को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नए नियमों के तहत मोबाइल यूजर्स ने हाल ही में अपने सिम कार्ड स्वैप किया है, तो वो अपना मोबाइल नंबर पोर्ट नहीं कर पाएंगे। बता दें कि सिम की अदला बदली की सिम स्वैपिंग कहा जाता है। सिम स्वैपिंग सिम कार्ड खो जाने या फिर उसके टूट जाने पर होती है। ऐसा होने पर आप अपने टेलीकॉम ऑपरेटर से अपना पुराना सिम बदलकर नया सिम लेने के लिए कहते हैं। ट्राई का कहना है कि ऐसा कदम फ्रॉड की घटनाओं को रोकने के मद्देनजर उठाया गया है। नए नियम को फ्रॉड करने वालों को सिम स्वैपिंग या फिर रिप्लेसमेंट के तुरंत बाद मोबाइल कनेक्शन को पोर्ट करने से रोकने के लिए उठाया गया है। इसके अलावा दोस्तों, 1 जुलाई से स्कूलें फिर से शुरू। राजस्थान में आधिकारिक तौर पर गर्मी की छुट्टियां 17 मई से शुरू हुई थी। हालांकि अधिकांश बच्चे 1 मई से ही स्कूल आना बंद कर देते हैं, क्योंकि बच्चों की वार्षिक परीक्षा समाप्त हो जाती है। राजस्थान के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 26 जून को समाप्त हो जाएंगी और बच्चों को 1 जुलाई से नियमित उपस्थिति दर्ज करनी होगी। इसके अलावा दोस्तों, मनरेगा का समय में फिर से होगा बदलाव। दोस्तों, राजस्थान में तेज गर्मी की वजह से सरकार ने मनरेगा के समय में बदलाव किया था। मनरेगा के समय को 12 बजे के पहले रखा था, लेकिन यह 15 जुलाई तक ही था। यानी कि 15 जुलाई से फिर से मनरेगा के समय में बदलाव होगा और समय पहले की तरह ही रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, राशन को आधार से लिंक करने की लास्ट डेट बढ़ी। सरकार ने आधार को राशन से लिंक करने के लिए पहले समय सीमा 30 जून 2024 रखी थी, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2024 तक कर दिया है। इससे पहले भी सरकार कई बार राशन के आधार से जोड़ने की तारीखों को बढ़ा चुकी है। इसके अलावा दोस्तों, बैंकों की छुट्टियां के बारे में जान लेते हैं। जुलाई में बैंक किस किस दिन बंद रहेंगे, आपके भी कोई काम हो तो इन छुट्टियों को जरूर ध्यान में रखें। 7 जुलाई को बैंक बंद रहेंगे, संडे है, तो इसके बाद 13 जुलाई, 14 जुलाई, 17 जुलाई, 21 जुलाई, 27 जुलाई और 28 जुलाई को बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों, रेलवे में बड़ा बदलाव। 1 जुलाई से स्पेशल ट्रेनों का दर्जा होगा समाप्त, बदल जाएगा ट्रेनों का नंबर। लवे बोर्ड ने कोरोना के दौरान ट्रेनों के नंबर के पहले 0 लगाकर उनको स्पेशल ट्रेनों का दर्जा दिया गया था। अब रेलवे ने ट्रेनों के इस नंबरिंग सिस्टम को समाप्त कर दिया है। इनमें उत्तर पश्चिम रेलवे में चल रही 50 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों को 1 जुलाई से पूर्ण नियमित ट्रेन नंबर से संचालित किया जाएगा। इसके तहत बीकानेर मंडल की कुछ ट्रेनों के नंबर भी बदल जाएंगे। स्पेशल ट्रेन का दर्जा समाप्त होने के साथ ही ये ट्रेनें अब पैसेंजर हो जाएंगी। हालांकि रेलवे फरवरी से ही किराया कम कर चुका है। रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देशानुसार सभी ICF और पैसेंजर ट्रेनें 1 जुलाई से नियमित नंबर के साथ चलेंगी। इन ट्रेनों के संचालन समय और ठहराव में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 3 जुलाई से शुरू होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा सत्र बुलाने की मंजूरी दे दी है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अब विधानसभा सचिवालय सत्र बुलाने की अधिसूचना जारी करने के साथ ही विधायकों को इसकी सूचना देगा। विधानसभा का यह बजट सत्र महीने भर तक चलने की संभावना है। भजन लाल सरकार बजट सत्र में अपना पहला फुल बजट पेश करेगी। इससे पहले भजन लाल सरकार ने फरवरी में 4 महीने का लेखानुदान पेश किया था।
लेखानुदान अप्रैल से जुलाई तक के खर्चों के लिए पेश किया गया था। अब सरकार फुल बजट पेश करेगी। इसके अलावा दोस्तों, आधार फ्री में अपडेट करने की डेडलाइन फिर बढ़ी। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑन ऑफ इंडिया ने फ्री में आधार अपडेट करने की डेडलाइन को फिर 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब आप अपने आधार को 14 सितंबर तक फ्री में अपडेट कर सकेंगे और इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा। इसके बाद आधार अपडेट करने के लिए चार्ज देना होगा। पहले ये डेडलाइन 14 दिसंबर तक थी, लेकिन इसे 3 महीने बढ़ाकर 14 जून किया गया था और अब 14 सितंबर तक फिर से बढ़ाई गई आधार अपडेट करने के लिए यूजर्स UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट माई आधार पर जाकर खुद ही अपनी डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा आधार सेंटर जाकर भी ये काम करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ हर डिटेल्स, डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक डेटा अपडेट करने के लिए ₹50 फीस देनी होगी। इसके अलावा दोस्तों, अब किरायेदारों का वेरिफिकेशन कराने थाने नहीं जाना होगा। जयपुर पुलिस कमिश्नर ने जयपुर सिटी के मकान और दुकान मालिकों के लिए नजर सिटीजन ऐप लॉन्च की है। यूजर्स इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकेंगे। डाउनलोड करने के बाद इसमें अपने परिवार के साथ किरायेदारों, PG में रहने वाले लोगों, अपने ड्राइवर और नौकरों की भी डिटेल डाल सकेंगे। उन्हें अब वेरिफिकेशन कराने के लिए थाने नहीं जाना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, ICICI बैंक के ग्राहक ध्यान दें, 1 जुलाई से बदल जाएंगे ये चार्जेस। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के ICICI बैंक के ग्राहक हैं, तो यह खबर आपके लिए काम की हो सकती है। हाल ही में बैंक ने एक जरूरी अपडेट जारी किया है। अगर आपके पास इस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो 1 जुलाई 2024 से आपको कुछ जरूरी सर्विसेज के लिए रिवाइज चार्ज देना होगा। ICICI बैंक ने अपने सभी कार्डों पर कार्ड रिप्लेसमेंट फीस को ₹100 से बढ़ाकर ₹200 कर दिया है। नियमों में बदलाव 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होंगे। साथ ही कुछ शुल्क बंद किए गए हैं, जैसे बैंक ने कैश या पिक पर लगने वाले ₹100 के शुल्क को बंद कर दिया है। ICICI बैंक ने स्लीप पर लगने वाले ₹100 के चार्ज को भी बंद कर दिया है। इसके अलावा बैंक ने ड्राफ्ट वैल्यू अमाउंट के 3% की कटौती न्यूनतम ₹300 की कॉस्ट के साथ बंद करने का ऐलान किया है। इसके अलावा बैंक ने डुप्लीकेट स्टेटमेंट के लिए वसूली जाने वाली ₹100 की फीस को भी बंद करने का ऐलान किया है। इसके अलावा दोस्तों, 1 जुलाई से बदल जाएगी ट्रेनों की समय सारणी। रेलवे साल में 2 बार ट्रेनों की समय सारणी में बदलाव करता है। इस बार जुलाई में बरेली होते हुए गुजरने वाली अप डाउन 152 ट्रेनों की समय सारणी में बदलाव किया जाना है। कुछ ट्रेनों की गति भी बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है। जून के अंत तक नई समय सारणी तैयार करके 1 जुलाई से इसे लागू किया जाना है। मुरादाबाद मंडल के DRM R.K. सिंह ने बताया कि नई समय सारणी को लेकर कमेटी काम कर रही है। ज्यादातर ट्रेनों के समय में 2 से 15 मिनट तक का बदलाव हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, संसद से पास हुए 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से होंगे लागू। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीनों क्रिमिनल लॉ 1 जुलाई 2024 से अमल में आ जाएगा, लेकिन हिट एंड रन से जुड़े प्रावधान के अमल पर रोक रहेगी। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य एक्ट को 1 जुलाई से लागू किया जाएगा, लेकिन नोटिफिकेशन में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को फिलहाल होल्ड कर दिया है। यानी धारा 106(2) फिलहाल लागू नहीं होगा। ये प्रावधान हिट एंड रन से जुड़े अपराध से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, रोडवेज बसों में सफर के दौरान मिलेगी पुलिस सुरक्षा। दिल्ली जयपुर मार्ग के बाद अब राजस्थान राइडवेज द्वारा चलाई जा रही प्रत्येक बस में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए पैनिक बटन लगाए जाएंगे। रोडवेज प्रशासन द्वारा इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। रोडवेज ने हर डिपो प्रबंधन को इसके लिए पाबंद किया है। कार्य योजना के मुताबिक नई बसों में ये बटन पहले से ही इंस्टॉल होकर आएंगे। पुरानी बसों में इनके इंस्टॉलेशन का काम शुरू कर दिया गया है। जून के पहले सप्ताह से यात्रियों को इस बटन की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। बस में किसी भी तरह की आपराधिक घटना होने पर यात्री इस बटन को दबा सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों, झुंझुनू में 1 जुलाई से शुरू होगी कलेक्टर की क्लास। झुंझुनू में कलेक्टर की क्लास फिर से शुरू की जाएगी। 1 जुलाई से कक्षा प्रारंभ हो जाएंगी, लेकिन इस बार क्लास का संचालन 1 नंबर रोड स्थित शहीद JP जानू राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया जाएगा। इससे पहले सूचना केंद्र सभागार में कक्षा आयोजित होती थी। इसके अलावा दोस्तों, Grade 3 शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने Grade 3 शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण 30 से बढ़ाकर 50% कर दिया। CM ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे, वे आत्मनिर्भर होकर और सशक्त बन सकेंगी। तो दोस्तों, यह थी जुलाई महीने के बारे में जानकारी। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।